रोही की खबर पर एक्शन, बहावलपुर जेल में कैदियों पर तशद्दुद की खबर पर आईजी जेल खानाजात मिर्जा शाहिद सलीम बेग इन एक्शन। गुज़श्ता रोज सेंट्रल जेल का दौरा किया, तशद्दुद के वीडियोस की तहकीकात के दौरान दो असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट समेत 15 मुलाजमीन की इंक्वायरी शुरू कर दी। पीएचए बहावलपुर का हुकूमती ग्रांट की बजाय अपने माली मसाइल खुद हल करने के लिए इकदाम, शहर के 10 बड़े पार्कों में कैंटीन बनाकर नीलाम करने का फैसला कर लिया। तमाम कैंटीनों से पीएचए को सालाना 24 लाख रुपए तक की आमदन मुतवक्के। चिश्तियां के इलाके शोली गर्भी में 1400 एकड़ सरकारी अरासी पर नाजायज काबिजीन का मामला, एंटी करप्शन हुकाम ने लीगी एमएनए एहसानुल हक बाजवा समेत 14 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया। सिविल जज की जानिब से वकील को जख्मी करने का मामला, पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर मुल्तान में वकला की हड़ताल, साइलीन का कहना है आए रोज हड़तालों से मुकदमात इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। मुल्तान से 322 आजमीन हज दो परवासों के जरिए जद्दा और मदीना के लिए रवाना, डायरेक्टर हज सैयद इम्तियाज अली शाह और एयरपोर्ट मैनेजर सैयद मुबारक अली शाह ने अलविदा किया। मुल्तान एयरपोर्ट पर 12,000 से ज्यादा आजमीन हज 51 परवासों के जरिए सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की सालगिरह, साथ ही जजीज वकला और अजीज वकारब की जानिब से मुबारकबाद। और जनूबी पंजाब में ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार, आसमान पर बादलों का राज, हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी से शहरी खुशी से निहाल।